सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को आखिरकार उनके घर क्यों नहीं लाई गई, आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। पहले आपको बता दूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी पहले उनके घर जाने वाली थी, उसके बाद फिर अंतिम संस्कार के लिए जाने वाली थी शमशान घाट। लेकिन आखिरकार क्यों सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को उनके ही अपार्टमेंट, उनके ही घर लाने से मना कर दिया गया? जी हाँ, आपको बता दूँ कि सोसाइटी अथॉरिटीज ने, जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी अथॉरिटीज ने सिद्धार्थ शुक्ला के बॉडी को घर पर लाने से, क्योंकि आपको बता दूं कि कोरोना केस बहुत बढ़ रहे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी अगर सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर आती तो सभी इस बात से बिल्कुल श्योर थे कि भीड़ जरूर उमड़ती सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी दर्शन को लेकर। इसलिए अथॉरिटीज ने, सोसाइटी अथॉरिटीज ने उनकी फैमिली से बातचीत की और साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट किया कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को घर पर लाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि वो सीधा शमशान घाट ही ले जाए। वेल, सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली इस सिचुएशन में भी, जी हाँ, इस कठिन सिचुएशन में भी उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर करोड़ों हजारों लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि जो लोग सिद्धार्थ शुक्ला के लिए वहाँ पे मौजूद होते उनको कोरोना होने का काफ़ी ज़्यादा डर होता, क्योंकि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ वहाँ पर उमड़ती। वेल, सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने अपने बारे में नहीं सोचकर बाकियों के बारे में सोचा इस सिचुएशन में और सिद्धार्थ शुक्ला को उनके ही घर पर नहीं लाया गया अंतिम बार। आखिरकार ये प्रूफ करता है कि सिद्धार्थ के साथ साथ उनकी फैमिली भी कितनी ज़्यादा दरिया दिली है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली भी कितनी हेल्पिंग नेचर की है ये प्रूफ करता है। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।